वेलकम नाजरीन, अनीस फारूकी हाजिर है प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी टैक टीवी पे एक धमाकेदार एंट्री के साथ। और अब भी आप मुझे देखा करेंगे मुस्तकिल अपने सियासी तजियों के साथ, लेकिन साथ साथ हम अपना एक लोकल कम्युनिटी का सेगमेंट भी आप तक पेश करेंगे, जहां यहां कनाडा में क्या हो रहा है, कौन से कारोबार आ रहे हैं, क्या यहां पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या यहां पे सैलाब जदगान की मदद हो रही है, सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। आज हम यहां पे मौजूद हैं, ये कौन सी जगह है? जी हां, ड्यूरम रीजन में एक शहर है पिकरिंग, और पिकरिंग में इस जगह पर जहाँ पर ये प्लाजा है ब्रॉक रोड और किंगस्टन रोड के संगम पर, यहाँ पर खुला है मेमन सुपर मार्केट। मेमन सुपर मार्केट एक टीम एफर्ट है, एक मेमन ग्रुप की जानिब से, इरफान सत्तार की जानिब से एक बहुत बड़ी टीम है जो इसको लेके चली है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कैनेडियन स्टोर हुआ करता था जिसे हम सोबीस के नाम से जानते थे, और वो यहाँ का बहुत बड़ा फ्रेंचाइज़ है, जाइगेंटिक मल्टी मिलियन डॉलर का एक वो यहाँ पे बिज़नेस हुआ करता था। वो बिज़नेस उसको नेमुल बदल, उसको कन्वर्ट करना एक ऐसे स्टोर में जो कि साउथ एशियंस की नीड को पूरा करता है, जो कि पाकिस्तानियों की, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह का सब्ज़ी ताज़ा तरीन जो है आपको फ्रूट्स, और इस तरफ आप देखेंगे ख़वातीन अपनी शॉपिंग कर रही हैं, बच्चे आए हुए हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि चूँकि प्राइसेस और दाम उनके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ रहता हूँ और हमारे घर वाले भी इसमें शॉपिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे ख़ास तौर पर सैटरडे है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन मैं आज हमारा प्राइम टाइम का जो बुनियादी मकसद ये नहीं है कि हम किसी ग्रोसरी स्टोर को कर रहे हैं, इसमें दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर ये कम्युनिटी का एक मल्टी मिलियन डॉलर का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक फ्रेंचाइज़ की हैसियत इख्तियार कर गया है, और इस फ्रेंचाइज़ की हैसियत से ये इसकी इतनी बड़ी एम्पायर बन गई है कि ये एम्पायर अब पाकिस्तान भी जाएगी, ये एम्पायर इसका जो है फ्रेंचाइज़ वहाँ भी खुलेगा। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन यहाँ पर आज ग्रुप ने, मेमन ग्रुप ने, मेमन सुपरमार्केट ने, इरफान सत्तार साहब ने मधु किया था पाकिस्तान के सीनियर एंकर एनालिस्ट तजियाकार हरदिल अजीज़ वसीम बादामी को। जी हाँ, आज वसीम बादामी यहाँ आ रहे हैं, आज हम आपसे उनकी मुलाकात भी कराएंगे, लोगों के तासरात भी बताएंगे, और साथ साथ कुछ बात होगी एक ऐसी क्लैमिटी की, एक ऐसे अलमिये की जो कि सैलाब जदगान के साथ आपने देखा। आज वसीम बादामी वही अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ लाइट कलर की जैकेट पहन के वो आज दाखिल हुए, लोगों का एक हुजूम उनके लिए मुंतज़िर था, फूलों का गुलदस्ता उन्हें पेश किया गया, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, सेल्फीज़ ली गई, फ़ोटो खींचे गए, बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत सारा प्यार दिया। कनाडा के पाकिस्तानी जिस तरीके से अपने देश से आने वाले लोगों का इस्तकबाल करते हैं, वो आज पिकरिंग के लोगों ने उसका भी मुजाहरा किया, और वो लोगों में घुल मिल भी गए, लोगों से बातचीत भी की, लोगों के तासरात भी सुने, मसाइल भी सुने, लोगों ने उनसे शिकायत भी की, और वो खंदा पेशानी से अपनी रिवायती मुस्कुराहट के साथ वो सारी चीज़ें सुनते रहे। वसीम बादामी के यहाँ आने से एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पैदा हुआ है लोगों में, आगही जाएगी, उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और उन्होंने इस दौरान में मीडिया से भी बात की। टैग टीवी की टीम वहाँ मौजूद थी, वहाँ पर ताहिर गोरा साहब मौजूद थे, हलीमा सादिया मौजूद थी, और हमारे और आप सबके हरदिल अजीज़, दाऊद जान, उनके बगैर शायद टैग टीवी की ये कवरेज और ये जो टैग टीवी की प्रेजेंटेशन है, प्राइम टाइम की जो प्रेजेंटेशन है, ये शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि दाऊद जान ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में जब वो टेलीविज़न इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे और उन्होंने जिस तरह से ख़बरों को पेश किया, उसके साथ साथ वो इंफोटेनमेंट में भी इन्वॉल्व रहे, वो मॉर्निंग शोज़ में भी इन्वॉल्व रहे, और वो चीज़ जो अब हम कनाडा में लेके आए हैं, तो ये यही जो प्राइम टाइम की एक सीरीज़ हमने शुरू की है जिसमें आपको कम्युनिटी राउंड अप हम दिया करेंगे, वो भी आपको इन्हीं की बदौलत जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें कभी कभी हम होते हैं, कभी कभी हम नहीं होते। तो ये सिलसिला मेमन सुपर मार्केट में आज जो आपको पूरी कवरेज है, मीडिया के बहुत सारे दोस्त आए थे वहाँ पर, हमारे तमाम ही जो सीनियर यहाँ की पुराने जर्नलिस्ट हैं और जो आई पी टी वी के रूह रवा हैं, एंकर्स हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं, और साथ साथ यहाँ पे हमारे इरफान सत्तार साहब मौजूद हैं जो कि इस पूरी जो है आज की हमारी जो दावत है वो उसके मेज़बान भी थे, और उन्होंने हम सबको यहाँ मधु भी किया। उन्होंने लोगों से एक मुलाकातों का एक सिलसिला रखा, उसमें लोगों ने ज़ाहिर है उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और सेल्फीज़ भी लीं, वो सिलसिला चलता रहा, और साथ साथ चाय का भी एक सिलसिला था, हल्का फुल्का नाश्ते का इंतजाम भी था। इस सारी चीज़ों के बाद वसीम बादामी ने लोगों के सवालात के जवाब तो दिए ही, लेकिन साथ साथ जो वहाँ मौजूद टेलीविज़न के नुमाइंदे मौजूद थे उनसे भी गुफ्तगू की। प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी में उन्होंने कुछ बातें हमसे भी शेयर की, जिसमें कुछ हल्का फुल्का लाइट मोड में भी गुफ्तगू हुई, कुछ डोनेशन की भी बात हो गई, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ प्राइम टैग टीवी के थ्रू, वहाँ पर हमने एक बहुत बड़े डोनेशन और एक बड़े अतिया का ऐलान भी देखा, ये सब कुछ हुआ, और वसीम बादामी ने इस बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। वसीम भाई, वेलकम टू कनाडा। थैंक यू सर, आपको तो ये जो आपका दौरा था ये प्री प्लान था या 11th आवर था? वाकई 11th था, पर मैं इसके गवाह हैं
मतलब मेरा जो मैनेजर है मुझसे कह रहा था कि सर इस तरह तो आप कराची से लड़गाना का सफ़र नहीं होता, सर आपने कनाडा का कर लिया, तो बिल्कुल ही 11th आर पे प्लान हुआ, अच्छा हो गया लेकिन। और वापसी का इरादा कर रहा था? बस अब से कुछ घंटों बाद, अब से कुछ घंटों बाद वापस आ रहे हैं। और वसीम बदारमी के बारे में जो ट्विटर पे और जो भी अफवाहें थी वो सब गलत है। सही कह रहा हूँ ना, क्लियरिटी के लिए ये रिकॉर्ड पे रहे बात। लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब से कुछ घंटों बाद कनाडा से, 5-6 दिन मैं अमेरिका हूँ, फिर पाकिस्तान हूँ इंशाल्लाह। ये भी वजाहत कर दो, फिर कुछ नया कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं ये। अच्छा इनका जो पर्सनल के अलावा जो इनका फ्लड जो पाकिस्तान में आया और जिस वक्त लोग जो डिजास्टर्स के अंदर है उसके लिए इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है। और कल हमारा एक बहुत बड़ा फंड रेजर हुआ जिसमें इनकी वजह से एक छोटी सी गैदरिंग में हमने $50,000 जमा किया, $50,000 का इकट्ठे पर्सनल के अलावा। और ये ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग $50,000 हुई है, ये पहुँचाई जाएगी। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो लोकल आप देख रहे हैं कारोबार, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इतना बढ़ चढ़ के काम कर रही है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मुझे यकीन जाने बहुत खुशी होती है कि जब मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को इस तरह तरक्की करता हुआ देखता हूँ। जैसे अभी जहाँ हम खड़े हैं मेमन सुपर मार्केट, यानी आप बड़े प्राउडली कह सकते हैं अपने किसी भी दोस्त को जिस मुल्क में आप रहता हो, पाकिस्तानी ना हो, कि यार ये जगह जाके विजिट करना। और इस तरह के बहुत सारे बड़े भाई मेरे साथ खड़े हैं, अ लिविंग एग्जांपल के यहाँ पे पाकिस्तानी कितने तरक्की कर रहे हैं। मुझे बाखुदा बड़ी दिल से खुशी होती है पाकिस्तानियों को इस तरह तरक्की करता देख। भाई ने बताया कि $50,000 कल हुए हैं और आज आपके कदम मुबारक या मेमन मार्केट में पड़े हैं, तो इस यहाँ पर कोई फंड रेजिंग के लिए कोई अनाउंसमेंट करना चाहे तो इरफान भाई आप। जी हमने अपने ग्रुप की तरफ से $10,000 क्या ऑन द स्पॉट $10,000। और ये हम जितना भेजें वो कम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दें वो कम है, जो क्लैमिटी है आपको अंदाज़ा है इसका? ओफ सर, मैं इस पर घंटों बात कर सकता हूँ कि क्या सूरत हाल है, बट मैं बैरून मुल्क मुखीम पाकिस्तानियों ने हमेशा बहुत जो है वो हर इतबार साथ दिया है। कल परवेज़ भाई ने हमें $17,000 के दिए, इरफान भाई अभी आए और उन्होंने कहा आई एम सो ग्रेटफुल इरफान भाई, मेमन सुपर मार्केट का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हलाल रिस्क में और बरकत दे, इन्होंने $10,000 का। अभी अभी हमें लिफाफा रिसीव हुआ, मैं खोला नहीं है, हो सकता वो भी एक डोनेशन जो एक साहब और आके भी एनवेलप दे गए कि जावे। अच्छा वो डोनेशन है, लिफाफा नहीं है, उसको वादे रहा डोनेशन ही है ना, तो मुझे उसी जमाने में बात करके मैंने भी जवाब उसी जमाने में। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ऑल द बेस्ट, हैव अ सेफ जर्नी। जज़ाकअल्लाह अनीस भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इरफान सितार साहब इस मौके पे कुछ जो है वो अपने ख्यालात के भी इजहार करें, ये रन अराउंड कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा बताएं इरफान। थैंक यू उवैस एंड थैंक यू वसीम भाई, आप तशरीफ लाए। यहाँ पे हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स थोड़ा सा विजन अपना बड़ा करें एंड दे गो एग्रेसिव। जहाँ भी हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के एंटरप्रेन्योर्स तो खासे एग्रेसिव हैं, हम लोग थोड़ा सा पीछे रहते हैं, तो उसमें अब हमें थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए। वी हैव फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स, वी हैव फैंटास्टिक ह्यूमन रिसोर्सेज, उन सबको पूरी तरह इस्तेमाल होना चाहिए। अब हमारी जो कंपनी है उसमें कम अज़ कम 20 से 25 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं और अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हैं बजाय कोई और जॉब्स करने के। तो दिस इज़ द बिगेस्ट सर्विस कम्युनिटी के लिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, वही असल फ्यूचर है हमारा। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, हम बहुत से इवेंट्स करते हैं, झंडे लहराते हैं, गाने गाते हैं, मगर असल काम ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग। इसाक मेमन साहब जो कि मेमन सुपरमार्केट जो आप देख रहे हैं इसके डायरेक्टर हैं, रूह रवां हैं, ये जो बिज़नेस चल रहा है जो ज्यूरम रीजन में लोगों की खिदमत हो रही है और एक ऐसे मुनासिब दामों पर जो यहाँ के लोगों को दस्तियाब किया जा रहा है, ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज हमने देखा है सर यहाँ वसीम बदामी, एक बड़ी लोगों की हर दिल अजीज शख्सियत हैं, वो यहाँ आए, उन्होंने इंडोर्स किया आपके कामों को, बिज़नेस को जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ कर रही है, और साथ साथ हमने सैलाब की भी कुछ बात की। तो पहले तो ये ज़रा बिज़नेस के बारे में बताइएगा जो यहाँ पे आपने सेटल किया है, लोगों में और आगाही होनी चाहिए यहाँ डरम के रहने वालों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो हम वसीम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ लाए। जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक है, ये तो इरफान साहब जो हमारे CEO हैं और उनके जो एहलिया हैं वो यहाँ पे जनरल मैनेजर हैं, इन लोगों का, मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाई, इन लोगों का आइडिया था कि ईस्ट एंड में जो है वो वैक्यूम है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे इस वक्त जो है बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेकरिंग नहीं है, पेकरिंग, विडबी, ओशावा, एजेक्स, ये पूरी हमारी जो है वो टारगेट मार्केट है, बाकी तो है कोई टोरंटो, लेकिन ये हमसे करीब है, तो यहाँ बहुत पॉपुलेशन आ रही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी देसी, तो यहाँ पर एक जगह मौजूद थी और हमको अलहमदिल्ला एक बाई चांस अच्छी लोकेशन मिल गई। पहले यहाँ 120 था, तो हमने यहाँ पर जो है उसकी फिजिबिलिटी बनाई, मार्केट रिसर्च की, तो हमें लगा कि यहाँ वायबल है, तो हमने इस तरह शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के अंदर
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी ये फूड कोर्ट खुल जाएगा, दुकानें खुल जाएंगी, तो इंशाल्लाह फुल स्विंग में चलेगा और आगे हमें और अच्छाई की उम्मीद है इंशाल्लाह। इस टफ कम्पिटिटिव मार्केट में आप प्राइसेस को कैसे मैनेज करते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं इस तरह के दीगर स्टोर्स के मुकाबले में तो निस्बतन हमें यहाँ कम दाम दस्तियाब होते हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये जो एक जादू है ये कैसे कर लेते हैं यार? इसकी जो जादू की जो जादूगरनी है ना वो सुमैरा है, क्योंकि वो बाइंग की एक्सपर्ट हैं। क्योंकि उनका माशाल्लाह पुराना एक प्रोफाइल है इकबाल फ्रूट के साथ और जो है उसके दूसरे स्टोर्स के साथ, वो लॉबलॉस के साथ, तो उनकी टीम जो है ना ये इसका आर्ट है, तो वो माशाल्लाह बाइंग के एक्सपर्ट हैं। और जिस तरह वो लोग बाइंग करते हैं, यानी डील्स देखते हैं, सप्लायर से नेगोशिएट करते हैं, अच्छी टर्म्स लेते हैं, तो ये सारा खेल ही बाइंग है। लेकिन आप जितना अच्छा स्टोर बना दें, लोग एक मरतबा आएंगे दो मरतबा आएंगे, लेकिन जब प्राइस बहुत ज़्यादा होंगी ना तो वो नहीं आएंगे। तो जब अच्छी डील होंगी, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छी सर्विस होगी, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। सैलाब जदगान के सिलसिले में मेमन सुपर मार्केट का क्या रोल रहा है और ओवरऑल कम्युनिटी को आप कैसे देख रहे हैं? सैलाब जदगान के हिसाब से एक तो ये है कि मेमन स्टोर का क्या है जी, और एक हमारा ग्रुप है, हमारा जो ग्रुप है उसका पाकिस्तान में, दुबई में, कनाडा में, कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, पाँच ही जगहों पर कारोबार है। तो हम लोग ये तो एक तो ये है सैलाब जदगान के लिए पाकिस्तान में भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेमन स्टोर के ताल्लुक है तो इरफान साहब जो हमारे CEO साहब हैं उन्होंने अभी $10,000 अनाउंस किए हैं और इंशाल्लाह वो हम लोग इसको पूरा करेंगे कमिटमेंट को। टारियो की सबसे बड़ी ग्रोसरी स्टोर चेन मेमन सुपरमार्केट का जिक्र हो और ख्वातीन के तासरात ना लिए जाएं, ये ज़्यादती होगी क्योंकि ये सारे के सारे जो शॉपिंग है ये आप लोग ही करती हैं। हलीमा बाजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेक टीवी की सीनियर एनालिस्ट हैं और एक मुकामी बिज़नेस पे जहाँ वसीम बादामी आए और उनसे मुख्तलिफ बातें हुई, आपने भी देखा, लोगों का रिएक्शन देखा, कैसा लगा आज आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप इंडोर्स करते हैं अपनी कम्युनिटी के ऐसे बिजनेसेस को जो कि यहाँ पे ज़रूरी भी हैं। इसकी वजह से कनाडा हमें हमारा घर लगता है। हर तरह का स्पाइस, वो स्पाइस भी जो कि अब शायद पाकिस्तान में मैसर नहीं है, वो हम यहाँ पे इंजॉय करते हैं। मेमन सुपरमार्केट दरअसल इस बात का एक बहुत बड़ा निशान या कह लीजिए कि पाइनियर्स में से हैं जिन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा स्टोर कम्युनिटी की खदमत के लिए खोला है। मैं समझती हूँ कि वसीम बादामी साहब का यहाँ आना, इसको इंडोर्स करना, ये एक हेल्थी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिससे ये पता चलता है कि हम ना सिर्फ वहाँ जहाँ रह रहे हैं यानी पाकिस्तान में, बादामी साहब यकीनन पाकिस्तान से हैं, और यहाँ कनाडा में जो कम्युनिटी काम कर रही है उसके लिए कितनी खुशी महसूस करती हैं और उसको इंडोर्स करके हम अपना कैलिबर और बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं देखता हूँ लोकल रिपोर्ट्स जो टैक टीवी पे चलती हैं, वहाँ की जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो दिखाई जाती हैं, ज़ाहिर दिल अफसरदा होता है और उसमें हम फंड रेजिंग की भी भरपूर कम्युनिटी कोशिश कर रही है। आज जो हुई है, दिल खोल के लोगों ने अतियात दिए, उसके बारे में क्या रहा है? एक ऐसा मुल्क जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है, उसमें एक और आफत, इतनी बड़ी आफत का आ जाना और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस, सिर्फ ये नहीं कि सैलाब आ गया, सैलाब के बाद के हालात ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इस सिलसिले में यहाँ पे लोगों का रिएक्शन और एक्शन जो है वो उनकी डोनेशंस ही नहीं है सिर्फ, इसके साथ साथ मेरे ख्याल है कॉन्क्रीट जो लोग चाहते हैं कि वहाँ बेहतरी हो, जो लोग वहाँ काम देखना चाहते हैं, उनका एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझती हूँ कि इस सिलसिले में सबके पॉजिटिव रवैये हैं, लोग चाहते हैं कि इंसानों को, जो आम इंसान है, उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। सो वी जस्ट मूव टू पिकरिंग एंड वी विजिटेड दिस नेबरहुड, सो इट वाज सो गुड फॉर अस, लाइक बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे, सारी चीज़ें हमारे उसके हिसाब से हैं सब, जैसे कि इकबाल फूड में एवरी थिंग इज़ देयर, so this is kind of that, और आपको करीब भी पड़ता है, प्राइसेस भी अच्छी हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और जो भी चीज़ हमें इमीडिएटली चाहिए होती है हम मेमन पे ही आते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो वसीम बादामी यहाँ आए, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक सैलाब से गुजर रहा है, इस सिलसिले में कम्युनिटी का क्या रिएक्शन है? एक्चुअली मैं आई आज इसीलिए हूँ कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं भी अपना कुछ थोड़ा सा हिस्सा डालूँ इस चीज़ में, तो हम जितनी भी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, इट्स अ बिग कैटास्ट्रोफी, सो हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। कश्मीरी किंग जो है आप देख रहे हैं, किंग कश्मीरी टी, ये इस स्टॉल पे हमारे सिस्टर मौजूद हैं, ये क्या है ज़रा बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बतूल है, ये हम लोगों का केटरिंग का बिज़नेस है और कश्मीरी चाय की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास पूरे कनाडा में। तो ये इंस्टेंट टी बैग्स हैं, इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है जी, ठीक है, और ये 2 मिनट में बन जाती है। पहले आपका प्रोसेस होता था कि जी आप 2 घंटे तक कश्मीरी चाय को पकाते थे, तो ये प्रोसेस उन्होंने ऑलरेडी इन टी बैग्स में किया हुआ है।
और दो मिनट में ये चाय तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इसका कलर, बिल्कुल ये बिल्कुल देखिएगा इसका कलर भी है। और हम तो कश्मीरी चाय जब पीने का होता था तो जिराड़ स्ट्रीट की तरफ दौड़ते थे कि शायद वहाँ से हमें मिलेगी, अब हमें अपने घर के पास से मिलेगी। जी बिल्कुल। और हम इसकी केटरिंग भी प्रोवाइड करते हैं वेडिंग्स पे, ढोलकीज पे, कोई भी आपके घर में दावत है मिनिमम 40 कप्स की तो बहुत पसंद की जाती है। जी बनी बनाई भेजते हैं। ये इंसुलेटेड कंटेनर्स हैं तो इसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे चाय गर्म रहती है। और इसमें हमारे पास 3 फ्लेवर्स हैं, ये ओरिजिनल फ्लेवर है, सैफ्रॉन है और यहाँ पे ये रोज फ्लेवर है। तो ये इंस्टेंट टी बैग्स हैं और 20 टी बैग्स हैं। मेमन सुपरमार्केट में ये अभी $10 का अवेलेबल है। इन्होंने प्रमोशनल सेल लगाई थी $8 की जब स्टोर ओपन हुआ था और आई थिंक अभी थोड़े दिनों में दोबारा ये लोग सेल लगाने वाले हैं। जी और आपको कैसा लगा आज आपके दरमियान वसीम बादामी मौजूद? वसीम बादामी के साथ तो हम उनके पूरी फैमिली उनकी फ़ैन है, उनके हम शोज़ देखते हैं, उनका हर लम्हा पुरजोश हम बड़े शौक से देखते हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि वो आएँ और उन्होंने भी हमारी कश्मीरी चीज ट्राई किया। के एक बहुत ही एक्टिव और फ़ाल रुकन असद मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं मेमन सुपर मार्केट के। और ये जितनी भी आप देख रहे हैं बहुत बड़ी टीम एफर्ट है, ये एक शख्स का नहीं, ये एक बहुत बड़े ग्रुप, एक बहुत बड़े दोस्तों, एक बहुत बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ इन्होंने इस कारोबार को सजाया है, संवारा है और पेश किया है अपनी कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच जी। कैसा लग रहा है वसीम बादामी यहाँ आए और उन्होंने इंडोर्स किया है पाकिस्तान के कारोबार को? बहुत अच्छा लगा जे उन्होंने जो बोला ना कि हम पाकिस्तानी कारोबार बाहर मुल्क आके पाकिस्तानी ग्रुप्स को देखें जो फ्लरिश होते हैं, उनके मुंह से अल्फाज सुन के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमारी कोशिश होती है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कम्युनिटी का नाम रोशन करें और एम्प्लॉयमेंट जो इरफान साहब ने बोला था अपने पिछले इंटरव्यू में कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें फॉर पाकिस्तानीज एंड अदर नेशनलिटीज़, तो सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हुआ आज। सैलाब जिदगान के लिए भी मेमन सुपरमार्केट का अपने कंट्रीब्यूशन रहा है और किया भी आप लोगों ने, इस बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखें आज हमने तकरीबन $10,000 सिर्फ आज प्लेज किया है, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि मेमन सुपर मार्केट सिर्फ एक इस ग्रुप का मेपल क्वेस्ट ग्रुप का एक डिवीज़न है। इसी तरह हम लोग हमारे डायरेक्टर्स दूसरे मैं खुद ही भी कुछ यहाँ पे चैरिटीज़ हैं पाकिस्तान के जिनमें इन्वॉल्व रहता हूँ, मेरे बड़े भाई इसहाक भाई जो यहाँ के एक्टिव डायरेक्टर हैं ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं, तो हमारी सिर्फ मेमन सुपर मार्केट नहीं बाकी जितने भी हमारे बिजनेस डिविजन्स हैं वो और पाकिस्तान में जो हमारा जो ऑल्सो सेटअप है शिप ब्रेकिंग में और दूसरे कामों के अंदर वहाँ पे हर जगह हम जितना कर सकें जितना हम कर सकेंगे उससे ज़्यादा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। क्योंकि अभी वसीम साहब ने बोला कि फैसल अदी साहब ने उनको बोला कि अभी जितनी एफर्ट्स हो रही हैं वो सिर्फ 10% हुए हैं, 90% तो अभी हुई भी नहीं है। तो मैं खुद ही भी और जितने भी हमारे पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं मैं जितने भी इंसान उन सबको उनसे अपील करूंगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, प्लीज़ इसके लिए आप जितना कर सकते हैं वो करें। मेरे फादर एजैक्स में है, वो वर्ल्ड 2 के काउंसलर के लोकल काउंसलर के इलेक्शन में लड़ रहे हैं, अगर आप लोगों की सपोर्ट मिल सकती है वुड बी वंडरफुल। और हम लोग काफ़ी कम्युनिटी में इन्वॉल्व भी हैं, हम लोग डोनेट भी कर रहे हैं, जो हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं ऑलरेडी। नॉन पार्टीज़म पे जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उसमें वो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एजेक्स की कम्युनिटी तेज़ी से बढ़ी है, जो धर्म की जो कम्युनिटी तेज़ी से बढ़ी है उसमें वाकई हमें ज़रूरत है जो हमारी आवाज़ें पहुँच सके। और इसका जो आज जो ओवरऑल यहाँ पे वसीम बादामी आए, कम्युनिटी आई, उनके साथ तस्वीरें खिंचाई और बहुत सारे लोगों ने डोनेशन भी किया, आपके क्या तासरात? I mean, it was a wonderful experience. मैंने यूची लाइक टिपिकली ऐसे एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं काफ़ी दफ़ा, तो मैं इंकरेज करता हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तान से जो भी लाइक हाई नेम्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो सब यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, ताकि हम जो यंगर जनरेशन है हमें भी पता चले उनके बारे में और हम भी अपने दोस्तों को बता चुकें और हम भी उनको मदद कर सकते। बिल्कुल, प्रमोशन की, इंडोर्समेंट की और कम्युनिटी के साथ इंटेग्रेशन की, तो टैग टीवी और टैग टीवी की टीम का जिक्र ज़रूर होता है। मेरे साथ इस वक्त ताहिर गोरा साहब मौजूद हैं, CEO ऑफ टैग टीवी, रूह रवां बानी कहना चाहिए, लेकिन बानी का लफ्ज़ ज़रा ख़तरनाक है लेकिन हम वो इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल ऑन द लाइटर नोट ये था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि ड्यूरम रीजन में एक पाकिस्तानी कारोबार इतना फल फूल के मुनासिब दामों के साथ मेमन सुपरमार्केट कम्युनिटी को सर्व कर रहा है, ये कैसे मुमकिन हुआ और आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए अनीस भाई, आप भी और दाऊद जान साहब भी टैग टीवी का हिस्सा हैं और भी बहुत सारे साथी हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी जो कम्युनिटी है एट लार्ज हम उनको सर्व करें, प्रमोट करें और जो प्रिसाइजली मेमन सुपरमार्केट का काम है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं इफाक मेमन साहब को, अली मेमन साहब को, असद मेमन को और इसके साथ साथ इसहाक मेमन के और भाभी सुमेरा साहिबा और इरफान सितार साहब और पूरी टीम। एक तो जो बहुत अजीम काम कर रहे हैं ये पूरे का पूरा मेमन ग्रुप मैं कहूँगा, जिसके CEO इरफान सितार भाई हैं, ये जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं।
कनाडा में ये एक मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के बिजनेसमैन सिर्फ ज़बानी कलामी बातें नहीं करते, बल्कि वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मिलियंस और मिलियंस डॉलर का। जी बिल्कुल, ये एक मेरा ख्याल है बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और ये जो फ़ख्र है ये सिर्फ मेमन ग्रुप को ही नहीं जाता बल्कि पाकिस्तान को भी जाता है। जी बिल्कुल ठीक है कि भाई पाकिस्तान का भी अच्छा नाम बनता है, इमेज बनता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों की जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही अजीम काम है। और फिर ये सोबी प्लाजा होता था, यानी सोबी का सुपर स्टोर था, अब सोबी के सुपर स्टोर को साउथ एशियन मिडल ईस्टर्न ग्रॉसरी स्टोर में कन्वर्ट करना, तो दैट स्पीक्स अ वॉल्यूम। एग्जैक्टली, तो इसमें मैं समझता हूँ अनीस भाई आप जैसे जो पुराने जर्नलिस्ट और कम्यूनिटी के खिदमतगार में कहूँगा, आप लोग भी आगे आएं, इस तरह के बिजनेसेस को प्रमोट करें और इनकरेज करें जो कम्युनिटी के बिजनेसमैन हैं। और वसीम बदामी ने भी आज यही बड़ी अच्छी बात आपने की। वसीम बदामी बदामी साहब जो हैं एक सीजन एंकर हैं, पाकिस्तान से आए हैं, उनको भी हैरत हुई और खुशी हुई जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो है, और हमें इसको इनक्रेज करना चाहिए। और यही जो एक्टिविटीज़ हैं यही पाकिस्तान का और कम्युनिटी का नाम और एट लार्ज साउथ एशियन कम्युनिटी का नाम रोशन का। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आमना, आप सबकी जानी पहचानी हर दिल अजीज शख्सियत, बहुत मकबूल हैं, बहुत एक्टिव हैं, इनकी बात लोग सुनते हैं, ये अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का फ़न जानती हैं, और ये इसको इस्तेमाल करते हुए आज हम इनसे यही दोनों सवाल पूछेंगे कि मेमन सुपरमार्केट में वसीम बदामी आए, उन्होंने देखा है कि इन्फ्लुएंसर के आने से कितना फ़र्क पड़ता है, लोगों ने डोनेट किया पहली, और ये कम्युनिटी को एक बिज़नेस दस्तियाब हुआ है, पहले तो इसके बारे में बताएं। जी थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। आई वुड लाइक टू वेलकम वसीम बदामी, एक बहुत ही पॉपुलर यू नो ही इज़ अ रिपोर्टर, हम इनके प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, और यहाँ कैनेडा में यू नो बैठ के हमें इतनी फिक्र होती है पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, वहाँ इकोनॉमिक टर्मोइल इंक्लूडिंग यू नो द फ्लड्स, तो दिस वॉज अ वेरी गुड इवेंट टू basically pool together donations for basically the flood relief. तो हम लोग इसलिए सारे मीडिया लोग influencers इकट्ठे हुए हैं for this great cause. This is my first time coming to Pickering and this is a wonderful supermarket. हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम भी shopping करेंगे and thank you so much for having us here today. इस वक्त हमारे साथ इरफान सत्तार साहब मौजूद हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, लेकिन आज की जो एक विज़िट है वसीम बदामी की, उसका दो बुनियादी मकासद हैं, एक तो यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनको प्रमोट करना, उनको इनक्रेज करना, उनको इंडोर्स करना, और दूसरा बड़ा ये कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि जो पाकिस्तान में इस वक्त क्लैमिटी है सैलाब की वो, और उसमें डोनेशन जमा करना। इरफान भाई ये जो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हैं आप इसको कैसे देखते हैं? देखें हमारे लिए ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान से वो लोग जिनकी फॉलोइंग है वो जब लोगों को बताते हैं कि जी पाकिस्तानी बिजनेसमैन यहाँ पे सक्सेस भी पा सकते हैं, कम्पीट भी कर सकते हैं और अपना मकाम भी बना सकते हैं, तो मज़ीद पाकिस्तानियों का हौसला बढ़ता है। क्योंकि मेरा हमेशा से ये मतमईन नज़र है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो पाकिस्तानियों के लिए या साउथ एशियंस जो भी हमारी ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इनका ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो, तो वो बहरहाल इस तरह की शख्सियात के आने से यकीनन बड़ा फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों में, लोगों तक पैगाम पहुंचता है। दूसरा हम पाकिस्तानी कंपनीज़ को इनक्रेज कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, कैनेडियन ब्रांड्स को हम पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उन सब में ये चीज़ें जो है वो बड़ा किरदार अदा करती हैं। जहाँ तक सैलाब ज़दगान का सवाल है वो तो हम सब मिल के जितना कुछ भी कर सकें कम है, जितनी बड़ी आफत है अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो हमारे ग्रुप की तरफ से हमने एक $10,000 की डोनेशन का ऐलान आज किया है, और उम्मीद है कि मज़ीद लोग भी आगे आएंगे। कुछ एक्टिविटीज़ तो ऑलरेडी वसीम बदामी साहब करते रहे, तो मुझे उम्मीद है कि इनका दौरा जो है वो मजमूई तौर पे बहुत कामयाब साबित होगा। बहुत शुक्रिया। देखें अनीस भाई, धुरम के अंदर ख़ास तौर पे ये बहुत ही इस चीज़ की बहुत ही शिद्दत से कमी थी, क्योंकि धुरम के अंदर बहुत अरसे से जो है वो बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा। आप देखें कि जो स्टैटिस्टिक्स है, जो धुरम में लोग रहते हैं 80% लोग टोरंटो में जाके काम करते हैं और 20% यहाँ रहते हैं, ग्रॉसरीज और सब कुछ टोरंटो से बाय करते थे। लेकिन ये फैसिलिटी खुलने के बाद एक कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये मेमन सुपरमार्केट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो लोग आए यहाँ पे इतना बड़ा सेटअप किया है, क्योंकि इससे बिज़नेस ही ग्रो नहीं हो रहा, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, क्योंकि धुरम के अंदर इस चीज़ की बहुत शिद्दत से कमी है। सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, न्यू बिज़नेसेस कम हैं, क्योंकि टैक्स जो हैं वो इसी वजह से दिन ब दिन धुरम के अंदर बढ़ते जाते हैं। अच्छा, हम लिखने वाले, बोलने वाले, वोकलिस्ट, व्लॉगर, एंकर्स,
ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि क्लाइमेटी के इस वक्त में पाकिस्तान का, जबकि तकरीबन अच्छा खासा इलाका डूब चुका है, 4-5 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? अनीस भाई, ये एक बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान में, और तकरीबन 1/3 जो है पाकिस्तानी तो डूबा हुआ है, और जैसे आपने फरमाया कि लाखों करोड़ों लोग घर तो गए हुए हैं, और बड़े अफसोस के साथ कहने में लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, तो सब यहाँ पे अपने तौर पे काम कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात पूछेंगे तो मैं सबील मुस्तफ़ा पाकिस्तान कराची में जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट टू प्रॉफिट, उसमें कोई ऑपरेशन कॉस्ट नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, हम कई सालों से कर रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो हम जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह जा के उनको हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर्सन फैमिली से मिल रहे हैं, और उन लोगों को जो है वो फूड, इस वक्त शदीद जो ज़रूरत है ना इस वक्त मेडिसिन की, फूड की, कंबल की, क्योंकि सर्दी आने वाली है, कैंप्स की, जी टेंट्स जो है उसकी, और कपड़ों की, ये इस वक्त शदीद ज़रूरत है। तो हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग, हर पाकिस्तानी, हर आदमी इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त आपकी शदीद ज़रूरत है, और जिस तरह से भी हो सके, चाहे $1 हो चाहे $1,000 हो, जो आपकी इस्तेआत है, आगे बढ़ चढ़ के मदद कीजिए। इसमें कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ नहीं सोचिए, ये आप सिर्फ अगर मदद कर रहे हैं तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की मदद कर रहे हैं, जो इस वक्त बहुत ही शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। व्यूज़, वसीम बादामी ख़ुद यहाँ मौजूद थे मेमन सुपरमार्केट में, उनके साथ जब हमने ज़िक्र किया सैलाब ज़दगान का, हर दिल अफसरदा हो गया, और इस तकरीब का इख्तिताम उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत दुआ के साथ किया, और एक बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया, और वहाँ की जो सूरत हाल है, जो क्लाइमेटी है, उसको भी बताया। क्या दुआ की है देखते? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बस यही है कि आप सब लोगों को सूरत हाल का अंदाज़ा है, लेकिन वहाँ पे लोग बेचारे बहुत, मतलब जितना आप तवक्को कर सकते हैं उतना, जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप खदशे का इजहार कर सकते हैं उतना ज़्यादा परेशान है। तो बस यानी हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला सबसे पहले तो अगले कुछ हफ्ते बड़े भारी हैं इन सारे लोगों पे, तो अल्लाह ताला इनको, यानी अल्लाह करे कि इनके लिए ज़िंदगी के वसाइल फराहम हो सकें। अभी वो और तो कुछ मांग ही नहीं थे, अभी वो कह रहे हैं कि यार बच्चों को पानी मिल जाए ताकि वो ज़िंदा रह जाए, भूख से ना मर जाए, प्यास से ना मर जाए। अभी यहाँ पे एक्चुअली ये सिचुएशन है बहुत सारे इलाकों में। मेरी 6 दिन पहले फैसल अदी साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट प्लस ऑल द एनजीओस, वो कह रहे हैं कि फैसल अदी कह रहे हैं, ये सब मिला के जो है ना वो रिक्वायर्ड एफर्ट का मैक्सिमम 10% हुआ है, सब मिला के 10% हुआ है। वो कह रहे हैं 90% तो अभी पहुँचने, हम पता ही नहीं अभी कि क्या मामला है। तो बहुत ज़्यादा सख्त सूरत हाल है। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप लोग इस एयर कंडीशन माहौल में या अपनी बिजी लाइफ में आप वहाँ वालों को भूल जाते हैं। आप सब कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। इरफान भाई ने कहा कि $10,000 वो करेंगे, परेज भाई ने कल $17,000 किए, कोई $1 भी करे अपनी बिसात के मुताबिक, एक एक बिस्किट के पैकेट का मतलब वहाँ पर ज़िंदगी है इस वक्त। तो आपने ये नहीं सोचना कि $1 से क्या फ़र्क पड़ेगा, बाखुदा फ़र्क पड़ेगा। आखिर हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे उन सारे बहन भाइयों के लिए जो कि इस वक्त आफत में है। देखिए, हम में से कौन ये गारंटी कर सकता है कि हम इस मुसीबत में हम नहीं फंस सकते थे? हमारा भी तो घर हो सकता था ना, हमने कोई कमाल तो नहीं किया इससे बचने के लिए। तो बस अल्लाह ताला उन सब बहन भाइयों की मुश्किलात आसान करें इंशाल्लाह, और हमें उनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करने की तौफीक अता फरमाएं इंशाल्लाह, और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबके अल्लाह ताला हलाल रिस्क में बहुत बरकत दें इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी ऑन टैक टीवी, इस तरह की काविशें हम करते रहेंगे, अपनी सी जो हमसे भरपूर कोशिश होगी वो भी हम करते रहेंगे। ना सिर्फ ये कि मुकामी जो हमारे ग्रोइंग कारोबार हैं इनको लेकर आगे चलना, साथ साथ जो भी सानेहात में लोग मदद कर रहे हैं उसको हम पहुंचाएंगे आप तक। इसकी वजह ये है कि बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसबत, कोई ना कोई नेकी, कहीं ना कहीं कोई कर रहा होता है, और वो पहुँचाना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे लोगों की हौसला अफज़ाई होती है। प्राइम टाइम की टीम, टैक टीवी की टीम इस वक्त ये काम कर रही है, अपनी सी पूरी कोशिश कर रही है, इसीलिए हम इस काफ़िले में शामिल हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा नाज़रीन कि आपका $1, $2, $10 या $100 बड़े अहम है। $1 में एक ज़िंदगी बच सकती है, एक बिस्किट का पैकेट जैसे कि वसीम बादामी ने कहा वो आ सकता है, लोगों को एक छत मिल सकती है, और ये वो चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि इन छोटी सी रकम से क्या होगा, लेकिन जब वो रुपए में कन्वर्ट होकर लोगों को मिलती है, किसी भी इदारे को, किसी भी फलाही इदारे को, गवर्नमेंट को, किसी के अकाउंट में, किसी सियासी जमात को, हर शख्स को, जहाँ जहाँ आप दे सकते हैं, जहाँ आपका दिल चाहता है वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि ओवरऑल इस वक्त जितनी भी कलेक्टिव एफ़र्ट्स पाकिस्तान में और दुनिया भर में हो रही हैं, इस अलमिये का 10% भी वो कवर नहीं कर पा रही एक गरीब मुल्क के लिए। ये इतना ज़रूरी है, और ये पैगाम मैं इसीलिए बार बार अपने सोशल मीडिया पे भी देता हूँ, और आज मैं प्राइम टाइम के ज़रिए भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा,
کہ اس سلسلے کو رکنے مت دیجیے گا, اس کو چلتے رہنے دیجیے گا. پرائم ٹائم کا وقت یہیں تک کا تھا. امید ہے اس کوریج سے آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنے سننے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.